देखिए, कुछ सोशल मीडिया में पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड, फिर प्रताप सरनाई के घर में फ्रांस के किसी राष्ट्राध्यक्ष का पार्टनरशिप डीड मिला, फिर किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की और प्रताप सरनाई की पार्टनरशिप है, फिर किसी ने और कहा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ टेलर के और प्रताप सरनाई के बहुत फैमिली रिलेशन है, इसलिए लंदन में प्रताप सरनाई की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, मुझे भी सुनने में देखने में अच्छा लगता है। और इसी दौरान फिर क्रेडिट कार्ड का मसला आ गया। हर सवाल को मैं जवाब देते रहा। जिस वक्त मैं सिद्धिविनायक दर्शन के लिए गया था, उस दौरान मैंने ये कहा था, मैं तो सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ, जिस वक्त महाराष्ट्र के ऊपर, मराठियों के ऊपर, मराठियों के इतिहासों के ऊपर अगर कोई टिप्पणी भी करता है तो उसके खिलाफ रास्ते पे उतरने का काम और उसको शासन देने का काम प्रताप सरनाईक शासन के माध्यम से आज तक करते आ रहा है और भविष्य में भी करेगा, चाहे उसके लिए प्रताप सरनाईक को फांसी क्यों ना हो जाए। मगर हमारे जो इतिहास की, हमारा मराठाओं का जो इतिहास है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे सूबेदार आदरणीय तानाजी मालुसरे जी, ये जो हमारे सूबेदार महाराष्ट्र के इतिहास में थे, तानाजी मालुसरे जैसे, उनका आदर महाराष्ट्र का हर मराठा करता है, क्योंकि उनको ही बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। मैंने ये कहा था कि हमारे महाराष्ट्र के संरक्षण के लिए तानाजी मालुसरे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का संरक्षण करते करते, इस रयत यानी महाराष्ट्र का संरक्षण करते करते अपने प्राणों की आहुति दी। वो लड़ाई भी दिल्ली और महाराष्ट्र की थी। आज प्रताप सरनाई के ऊपर ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं, वो लड़ाई भी दिल्ली और महाराष्ट्र की चल रही है। उस वक्त के हमारे शूरवीर तानाजी मालुसरे, इनको दिल्ली और महाराष्ट्र के, वो टाइम मुगलों के साथ लड़ाई चल रही थी शिवाजी महाराज की। इस ये वक्त अलग है, ये 21वां शतक है। इस महाराष्ट्र का हर सैनिक अपने आप को तानाजी मालुसरे जैसा शूरवीर सैनिक समझता है, और उस वक्त उनको बेसावध वो थे, इसलिए उनको धारातीर्थी गिरना पड़ा। अपने रयत के संरक्षण के लिए, हमारे राजा के संरक्षण के लिए उनको मृत्यु आ गई, वो देश के लिए शहीद हो गए। मैं भी इस शतक में अपने आप को तानाजी मालुसरे जैसा योद्धा समझता हूं। उस वक्त वो रयत और महाराष्ट्र के संरक्षण के लिए शहीद हो गए, मगर मैं शहीद नहीं हूंगा, मैं लड़ते रहूंगा। मुझे पता है इनके साथ कैसे लड़ना है। उनको बेसावत तरीके से मारा गया, मगर मैं मारने की कोशिश करने के बावजूद भी मरूंगा नहीं, बल्कि लड़ते रहूंगा, ऐसी मेरी वर्ड थी। मगर कुछ चीजें जो होती है वो जानबूझकर काटी गई, और काट के लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने वायरल की। आज ही मैंने एक सुबह वीडियो प्रकाशित किया, प्रदर्शित किया, उसकी वजह से जिन लोगों को हमारे इतिहास के बारे में गलतफहमी होगी, वो गलतफहमी दूर हो जाएंगे। मगर हमारे ये जो लोग हैं, योद्धा हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, और हमारे पूर्वजों का इतिहास यानी हमारे पूर्वजों के पाँव पे पाँव रख के चलना मैं मेरा फर्ज समझता हूँ, और महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए मैं आगे भी लड़ता रहूंगा।